प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को गोरखनाथ मंदिर स्थित अपने आवास से टोक्यो ओलंपिक में शामिल होने वाले प्रदेश के 10 खिलाड़ियों प्रियंका गोस्वामी, अन्नू रानी, सौरभ चौधरी, मेराज अहमद खान, अरविंद सिंह, सीमा पुनिया, वंदना कटारिया, सतीश कुमार, शिवपाल सिंह एवं ललित कुमार उपाध्याय तथा उनके परिजनों से वर्चुअल संवाद कर उनका हौसला अफजाई किया और अपनी शुभकामनाएं दी। दोपहर करीब 2:30 बजे खिलाड़ियों से वर्चुअल संवाद के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना महामारी के इस कालखंड में आप द्वारा देश एवं प्रदेश के मान बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयास नई पीढ़ी के लिए अनुकरणीय रहेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा ओलंपिक में एकल खेल में स्वर्ण पदक लाने वाले खिलाड़ियों को 6 करोड़, रजत पदक लाने वाले खिलाड़ियों को 4 करोड़ तथा कांस्य पदक लाने वाले खिलाड़ियों को 2 करोड़ तथा प्रतिभा करने वाले खिलाड़ियों को 10 लाख रुपए तथा टीम खेल में स्वर्ण पदक लाने वाले खिलाड़ियों को 3 करोड़, रजत पदक लाने पर 2 करोड़, कांस्य पदक लाने पर 1 करोड़ एवं प्रतिभा करने पर 10 लाख रुपए का सहयोग करती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि अपने खिलाड़ियों को आगे बढ़ना चाहिए और अलग अलग फील्ड में प्रतिभाशाली लोगों को सरकार की ओर से एक मंच मिलना चाहिए। केंद्र एवं राज्य सरकार इसी दिशा में प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से देश व प्रदेश के खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। इसी कड़ी को प्रदेश सरकार ने आगे बढ़ाया है। इसके अंतर्गत हर गाँव में राजस्व विभाग, पंचायती राज, खेल विभाग, ग्राम विकास विभाग मिलकर हर गांव में खेल का मैदान तैयार कर रही है। साथ ही यह भी निर्देश दिए गए हैं कि खेल के मैदान के साथ साथ ओपन जिम का भी निर्माण हो, जिससे युवा पीढ़ी को खेल के प्रति रुचि बढ़ सके। उन्होंने कहा कि खेल का मैदान, स्टेडियम, मिनी स्टेडियम का निर्माण एवं स्पोर्ट्स किट उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रदेश सरकार के युवा कल्याण विभाग द्वारा हर गाँव में युवक मंगल दल गठित करने के साथ उन्हें स्पोर्ट्स किट उपलब्ध कराने की कार्यवाही हर स्तर पर की जा रही है। यह अभियान निरंतर आगे बढ़ेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा तय किया गया है कि मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी स्थापित की जाएगी। यह यूनिवर्सिटी सभी खिलाड़ियों को जोड़कर उनकी प्रतिभाओं एवं ऊर्जा का लाभ राज्य के युवाओं को आगे बढ़ने एवं एक नए मंच के रूप में सहायक होगी। अंत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ओलंपिक में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की और कहा कि खेल भावना से खेलें और अपने परिवार के साथ प्रदेश और देश का नाम रोशन करें। इस अवसर पर प्रदेश के खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी, अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल, निदेशक खेल आरपी सिंह सहित खिलाड़ी भी वर्चुअल रूप से जुड़े रहे। जिस तरीके से सौरभ चौधरी जी जो सचिन के हैं, आप भी मेरठ से आते हैं। सुश्री मेराज अहमद खान जी, आप भी सचिन से हैं, जो बुलंदशहर जनपद से आते हैं। श्री अरविंद सिंह जो रोहित से आते हैं, आप भी बुलंदशहर से हैं। श्री सतीश कुमार बागसिंह जी जो बागसिंह से आते हैं, बुलंदशहर से। इसी तरह से शिव पाल सिंह जी हैं जो एथलेटिक्स के प्लेयर हैं, चंदौली डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। और श्री ललित कुमार उपाध्याय जी जो हॉकी के प्लेयर हैं, वो वाराणसी से आते हैं। निश्चित रूप से हम सब का यह सौभाग्य है कि टोक्यो ओलंपिक में प्रतिभाग करने के लिए ये हमारे उत्तर प्रदेश के 10 खिलाड़ी जा रहे हैं। हम सब हमारी तरफ से और पूरे सरकार की तरफ से उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए अग्रिम हम बधाई देना चाहता हूँ और ईश्वर से कामना करना चाहता हूँ कि ओलंपिक में आप सब विजेता बनकर के आवे, ताकि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, इनके मार्गदर्शन में पुनः आप सबका भव्यता से उत्तर प्रदेश की धरती पर हम सब स्वागत करें। और निश्चित रूप से हम उन माताओं और देवता के लिए अभिभावकों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसे ऊर्जावान खिलाड़ी को आप लोगों ने अपने अपने परिवार से आगे बढ़ाने का देश और दुनिया के मानचित्र में उत्तर प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। पुनः एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी का, सभी अधिकारीगण का और उत्तर प्रदेश के सभी ओलंपिक के जो हमारे खिलाड़ी चयनित हुए हैं, उन सभी लोगों का और सभी हमारे स्वागत अभिनंदन करते हुए
अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी तक मैं मतलब और यूपी से खेलती आ रही हूँ और इंडिया भी खेली हूँ वर्ल्ड कप वगैरह, तो अभी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करके अच्छा लग रहा है। बाकी प्रधानमंत्री जी ने जो मन की बात में मेरा जिक्र किया था कि मेरे पापा रोडवेज में कंडक्टर है, तो लेकिन सर मेरे पापा भी नहीं है यूपी रोडवेज में, क्योंकि वो उसी टाइम पे छूट गई थी, तो बहुत प्रॉब्लम से मैं यहाँ तक पहुंची हूँ करके। तो काफी समस्या है, हर खिलाड़ी को हमने सब चीज का फेस करके यहाँ तक पहुंचे हैं। तो प्रियंका जी, मैं सबसे पहले आपको टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने के लिए प्रदेशवासियों की ओर से बधाई देता हूं। दूसरा, आज संवाद हम इसीलिए कर रहे हैं कि जो भी आप लोगों की समस्याएं होंगी राज्य सरकार उसका समाधान करेगी। आप ये बताइए कि हमारी जो आने वाली प्रतिभाएं हैं, इन लोगों को इस फील्ड में क्या करना चाहिए, और अभी आपकी जो इस समय प्रशिक्षण आपका चल रहा है, कहाँ, बेंगलोर में आप प्रशिक्षण ले रही हैं? ऐसा बेंगलोर में क्या है कि वो प्रशिक्षण आपको वहाँ मिल सकता है और उत्तर प्रदेश में नहीं मिल सकता है? सर सबसे बड़ा तो सिंथेटिक ग्राउंड है, मेरठ में अभी तक एक भी सिंथेटिक ग्राउंड नहीं है। दूसरा कोचिस का होता है, जैसा कोचिस भी हमारे जैसे यूपी गवर्नमेंट से गवर्नमेंट हायर करे कोच, मतलब मुझे तो गौरव त्यागी सर थे जो मेरठ में है वो मिले, लेकिन बहुत से एथलीट्स को है कि कोच भी नहीं मिल पाते हैं। तो मुझे भी पूछते हैं दीदी आपने कैसे ज्वाइन किया, तो उन लोग को मतलब ग्राउंड और कोचेस फर्स्ट होता है प्लेयर के लिए, अगर ग्राउंड और कोच अच्छा होगा तो मेहनत करके कोई भी एथलीट निकल जाएगा। नहीं, बहुत अच्छा है, आपने और आपके परिवार ने जिस तन्मयता के साथ और जिस प्रतिबद्धता के साथ इस फील्ड में अपना एक स्थान बनाया है वो बहुत सराहनीय है, अभिनंदनीय है। मैं आपको और आपके पूरे परिवार के सदस्यों को इसके लिए हृदय से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और राज्य सरकार आप लोगों को पूरी मदद करेगी। मैं खेल विभाग को इसके बारे में कहूँगा कि वह सभी खिलाड़ियों की बातों को सुने और फिर उस प्रकार की कार्य योजना बना करके राज्य के अंदर तैयार करें, जिससे हमारे खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर भी प्राप्त हो सकें और यहीं पर उनको हर प्रकार की सुविधा देकर के हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं के योग्य बना सकें। आपके लिए मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू सर। सर एक और था कि जैसा हमारी पॉलिसीज है वो काफी टाइम से मतलब अच्छी है, आप नहीं बोल रहे कि बेकार है, लेकिन ओलंपिक्स की तो ठीक है, लेकिन आगे नेक्स्ट ईयर कॉमनवेल्थ गेम्स एशियन गेम्स आ रहे हैं, तो उनकी पॉलिसी और अगर हम दूसरे स्टेट की देखें, हरियाणा की देखें, तो सर वोट आना, आप एक बार उसके लिए भी मीटिंग हो। आप लोग अपना प्रस्ताव बना के भेजिए, जरूर राज्य सरकार उस पर जरूर विचार करेगी। सर इनकी माता जी और पिताजी हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो सर आपका आशीर्वाद दें। मुझे एक दिन उनके सभी खिलाड़ियों के अभिभावकों को लखनऊ बुला करके सम्मानित करना है। अच्छा होगा कि लखनऊ में बुला करके उनके साथ सीधे वहीं पर संवाद बनाएंगे और उनका सम्मान भी करेंगे। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। नमस्ते सर। पूरे प्रदेश के जो भी हमारे विद्यमान खिलाड़ी हैं जो प्रतिभा कर रहे हैं, उनके अभिभावक भी जुड़े हैं और इसको लाखों लोग देख रहे हैं, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपके आशीर्वाद से हम सबको अद्भुत करने की कृपा करें। आज के इस टोक्यो ओलंपिक में प्रतिभाग करने वाले प्रदेश के हमारे प्रतिभाशाली सभी खिलाड़ियों के साथ संवाद के इस कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित प्रदेश के खेल मंत्री उपेंद्र तिवाड़ी जी, प्रदेश में खेल विभाग के प्रमुख सचिव श्री नितिन गोकर्ण जी, अपर मुख्य सचिव सूचना श्री नौनी सहगल जी,
सूचना हमारे खेल के निदेशक सीआरपी सिंह जी, हमारे सभी प्रतिभाशाली वे 10 खिलाड़ी जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए अपने को क्वालिफाई किया है, जिनसे आज हमारा संवाद भी अभी मेरा संवाद हुआ है, उनके साथ साथ उनके परिवार के सभी सदस्य और अभिभावकगण, मैं सबसे पहले अपने सभी 10 खिलाड़ियों का और उनके परिवार के सदस्यों का राज्य सरकार की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं। कोरोना महामारी के दौरान आपका ये जज्बा बहुत अभिनंदनीय है और हमारी युवा पीढ़ी को एक नई स्फूर्ति और स्पंदन प्रदान कर रही है। मैं इसके लिए आप सबको टोक्यो ओलंपिक क्वालिफाई करने और इस यात्रा के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की शुरू से ये मंशा रही है कि अपने खिलाड़ियों को आगे बढ़ाया जाना चाहिए और समाज के अलग अलग फील्ड के प्रतिभाशाली लोगों को समाज की ओर से, सरकार की ओर से एक मंच मिलना चाहिए। और उसी क्रम में राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने पिछले 7 वर्ष से केंद्र सरकार और पिछले 4-4.5 वर्ष से राज्य सरकार इस दिशा में प्रयास कर रही है। चाहे वह भारत सरकार के द्वारा घोषित खेलो इंडिया खेलों के तहत खेल प्रतिभाओं को, मैं देख रहा था इसमें जितने भी हमारे ज़्यादातर खिलाड़ी हैं वे सभी ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं और बहुत आर्थिक विपरीत अर्थ की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने एक नया स्थान प्राप्त किया है खेल के क्षेत्र में। प्रधानमंत्री जी का ये अभियान जो खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से उन्होंने देश के खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है, ये बहुत अभिनंदनीय है और मैं इसी बात को लेकर के इसी कड़ी को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। मैंने खेल विभाग को विगत 2 वर्ष पहले इस बारे में कहा था कि हमें खेल विभाग ने, राजस्व विभाग ने, ग्राम्य विकास और पंचायती राज विभाग और नगर विकास विभाग, ये हमारे 5 विभाग मिलकर के प्रयास कर रहे हैं कि प्रदेश के हर गांव में एक खेल का मैदान हो। गांव में जो पैसा हम विकास के लिए भेज रहे हैं उस पैसे की प्राथमिकताएं तय करते हुए कहा गया है कि उस गांव के पैसे का उपयोग गांव में खेल के मैदान के साथ साथ एक ओपन जिम के निर्माण के लिए भी किया जा सके, जिससे हमारे युवाओं को और जो युवा पीढ़ी है इस पीढ़ी को खेल के प्रति एक रुचि जागृत हो। खेलो इंडिया खेलों के इस अभियान के तहत आप देख रहे होंगे कि हर एक स्तर पर अनेक प्रकार की प्रतिस्पर्धाएं चल रही हैं और उसमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए नई पीढ़ी को प्रेरित किया जा रहा है। स्कूल में, कॉलेजेस में, गांवों में अलग अलग स्तर पर ये कार्यक्रम चल रहे हैं और इसी में खेल का मैदान भी है, मिनी स्टेडियम भी है, स्टेडियम के निर्माण का भी है, स्पोर्ट्स किट उपलब्ध कराने के बारे में प्रयास किए जा रहे हैं। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर युवा कल्याण विभाग की ओर से भी हरेक गाँव में युवक मंगल दल गठित करने, वहाँ पर उन्हें स्पोर्ट्स किट उपलब्ध कराने की कार्रवाई हर एक स्तर पर प्रारंभ की है और ये अभियान निरंतर आगे बढ़ेगा। और मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति है कि आज जो खिलाड़ी जा रहे हैं इनमें ज़्यादातर मेरठ और उसके आसपास के क्षेत्र के हैं और इसीलिए राज्य सरकार ने तय किया स्पोर्ट्स आइटम के लिए मेरठ बहुत पहले से जाना जाता है। हम लोगों ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की जो अपनी अभिनव योजना 2018 में प्रदेश से प्रारंभ की, उसमें मेरठ को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में स्पोर्ट्स आइटम के लिए ही हम लोगों ने चुना और उसकी ब्रांडिंग करने, उसकी मार्केटिंग के लिए हम लोगों ने हर स्तर पर प्रयास प्रारंभ किए और आज हम लोग एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी मेरठ में दे रहे हैं। ये मेरठ में बनने वाला हमारा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो होगा
इन सभी खिलाड़ियों को अपने साथ जोड़ने में मदद मिलेगी और इनकी प्रतिभा और इनकी ऊर्जा का लाभ हमें राज्य के अपने यूथ को आगे बढ़ाने और खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक नए मंच के रूप में यह स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरठ के माध्यम से प्रदेश के खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएगा। मैंने खेल विभाग से पहले ही कहा है कि जितने भी हमारी खिलाड़ी और प्रतिभाएं टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई की हैं, एक बार उनसे व्यक्तिगत संवाद बना करके देखेंगे कि किसी के सामने कोई समस्या ना हो। मैं जानता हूं वर्तमान में कोरोना महामारी के कारण पूरा देश और पूरी दुनिया त्रस्त है, लेकिन इसी महामारी के बीच में हमें रास्ता बनाना है। और आज की दुनिया तो हम सब जानते हैं कि मीडिया के माध्यम से एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि एक जगह बैठे बैठे हम पूरी दुनिया के अंदर सभी कार्यक्रमों को देख सकते हैं और उनका प्रचार कर सकते हैं। इन विपरीत परिस्थितियों में भी आपने अपनी प्रैक्टिस जारी रखी, टोक्यो ओलंपिक के लिए अपने आप को क्वालिफाई करवाने में मदद मिली और आज आप सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। मैं सबसे पहले तो आपको और आपके अभिभावकों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। खेल विभाग से मैंने कहा कि एक बार सभी से बात करके पूछ लेंगे, व्यक्तिगत रूप से भी संवाद खेल विभाग बनाएगा और किसी के सामने कोई समस्या ना आने पाए राज्य सरकार की तरफ से जो भी अतिरिक्त मदद दी जानी है टोक्यो ओलंपिक के पहले या इस दौरान उसमें भी मदद देने की आवश्यकता है। मैं सभी खेल प्रतिभा जो हमारी यहाँ से टोक्यो ओलंपिक में जा रही हैं इन सभी खिलाड़ियों के अभिभावकों को एक दिन लखनऊ में बुला रहा हूँ। मैं जान रहा हूँ कि बुलंदशहर में हमारे 3 खिलाड़ियों के परिवार के सदस्य NIC के बुलंदशहर में बैठे हुए हैं। आज मैं उनसे इसीलिए संवाद नहीं बनाया हूँ क्योंकि मुझे लखनऊ में उन्हें बुलाना है, लखनऊ में उनके साथ संवाद बनाना है और मैं अपने खिलाड़ियों के अमूल्य समय को जो अपने ट्रेनिंग से और प्रैक्टिस से उन्होंने निकाला है इससे उनको डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहता हूं। लेकिन मैं इस बारे में कह सकता हूं कि राज्य सरकार ओलंपिक में जो पदक विजेता खिलाड़ी हैं उनको और प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों को भी सम्मानित करती है। खासतौर पर एकल खिलाड़ी अगर स्वर्ण पदक जीतता है तो 6 करोड़ रुपये, रजत पदक पे 4 करोड़, कांस्य पदक में 2 करोड़ और प्रतिभाग करने पर 10 लाख रुपए प्रति खिलाड़ी राज्य सरकार प्रत्येक खिलाड़ी को अपनी ओर से सहयोग करती है। और टीम खेल में स्वर्ण पदक पर 3 करोड़, रजत पदक पर 2 करोड़, कांस्य पदक पर 1 करोड़ और प्रतिभाग करने पर 10 लाख रुपए प्रत्येक खिलाड़ी को राज्य सरकार प्रदान करती है। इस सब के बावजूद जहां पर भी किसी खिलाड़ी को कोई समस्या हो बेझिझक प्रदेश के खेल निदेशक को, क्योंकि वह स्वयं एक स्पोर्ट्स पर्सन रहे हैं, उनको आप अवगत कराएंगे। राज्य सरकार इसमें आपको सबको मदद करेगी। आपकी यात्रा मंगलमय हो, टोक्यो ओलंपिक से आप अच्छी खुशखबरी देंगे और बाद में ये तो तय है आप सभी खिलाड़ी जब टोक्यो ओलंपिक से देश और प्रदेश का नाम रोशन करके वापस आएंगे तो हम लोग राज्य सरकार की ओर से आप लोगों का अभिनंदन कर सकें, इस प्रकार की स्थिति जरूर हो। आपके इस पूरे अभियान के प्रति आप सभी 100 खिलाड़ी सुश्री प्रियंका गोस्वामी, सुश्री अन्नू रानी, सुश्री सीमा पुनिया, सुश्री वंदना कटारिया, श्री सौरभ चौधरी, श्री मेराज अहमद खान, श्री अरविंद सिंह, श्री सतीश कुमार, श्री शिवपाल सिंह, श्री ललित कुमार उपाध्याय, ये जितने भी हमारे 10 के 10 खिलाड़ी हैं, मैं इन सभी को टोक्यो ओलंपिक के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आपकी प्रतिभा वहां के मंच से देश को और प्रदेश को एक नई आशा की किरण के साथ आगे बढ़ाने में मदद करेगा। मैं आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं।
आप सबके पूरे अभियान के प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद।